तो सारे के सारे GTA Vice City Definitive Edition के लवर्स हमारी वीडियो के अंदर आ चुके हैं। मिस्टर सेफ्रॉन YT के चैनल पे मैं बिना किसी चीज के यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि यार वीडियो के अंदर जो दिखा रहा हूँ ना वो बता रहा हूँ आपको क्लियो मेन्यू के बारे में, जो कि आप अपने GTA San Andreas और GTA Vice City के अंदर खेला करते थे अपने एंड्रॉइड के अंदर। और ये जो GTA Vice City का गेम है इसके अंदर आप कैसे क्लियो स्क्रिप्ट को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं आप उन सारी क्लियो स्क्रिप्ट्स को कैसे अपने गेम के अंदर आप यूज कर सकते हो, नहीं GTA Vice City के अंदर आप डेफिनेटिव एडिशन के अंदर आप क्लो मेन्यू को कैसे इंस्टॉल करके उसमें स्क्रिप्ट्स को कैसे इंसर्ट करोगे। गाइस यहाँ पे ये काफी लोग सर्च कर रहे हैं YouTube पे और इसी का एडवांटेज ना लेते हुए, लेकिन इसका एक अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वीडियो मैंने आज के लिए आप सभी लोगों के लिए बनाई है। पिछले कुछ टाइम में GTA San Andreas के लिए बहुत सारे मोड्स यहाँ पे अपलोड हुए हैं डेफिनेटिव एडिशन के लिए, और GTA Vice City के लिए भी मैं यहाँ पे मोड्स लाता जा रहा हूँ। मैंने GFX मोड भी अपलोड करा है, बट यार काफ़ी लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हम अपने GTA Vice City की Netflix या डेफिनेटिव एडिशन वर्जन के अंदर किस तरीके से हम अपने, या रॉकस्टार के वर्जन को भी ले लो आप, किस तरीके से वो लोग हम अपने गेम के अंदर क्लो मेन्यू को इंस्टॉल करेंगे। अब ये क्लो मेन्यू मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि ये अवेलेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। एट दिस टाइम ऑफ फिल्मिंग दिस वीडियो अभी तक कोई भी क्लो मेन्यू अवेलेबल नहीं है, देर इज नो क्लो मेन्यू राइट नाउ। ठीक है, अब ये सिंपल से चीज बोल के मैं वीडियो को एंड कर सकता हूँ, बट नहीं, मैं आपको सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। अगर आप आए हो अपने GTA Vice City के अंदर चिट्स को यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे गेम प्ले के अंदर, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई हुई है चिट्स के बारे में। एंड गाइस अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना, तो हमने इन गेम चिट्स को अप्लाई करा है विदाउट हैविंग एनी मेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमें बहुत सारे चिट्स देखने के लिए मिल जाती है। आप अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो, गर्ल्स मैग्नेट को अनेबल कर सकते हो, और उसके अलावा यहाँ पे अपने वेदर को चेंज कर सकते हो, कैरेक्टर को तो चेंज कर ही सकते हो, वांटेड को हटा सकते हो, वांटेड को ला सकते हो, अनलिमिटेड हेल्थ ले सकते हो, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो जो आपको अपने मेन्यू के अंदर देखने के लिए मिलती थी। मैंने GTA Vice City के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी इसी से रिलेटेड, और उस वीडियो के अंदर काफी लोगों ने मुझे थैंक यू भी बोला था, क्योंकि ऐसी अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑफकोर्स अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ दिस इज नॉट रॉन्ग और ना ही कोई क्लिक बैट है, क्योंकि यार आपको पता हो तो काफी वीडियोस YouTube पे ऑलरेडी फेक बनती भी है, एंड आई डोंट वांट टू मेक एनी फेक वीडियो, इसलिए मैं ये चीजें ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप अपने इस वीडियो में देखोगे मेरे, तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पे अपने फोन के अंदर GTA Vice City के अंदर बहुत सारे यहाँ पे अपने चिट्स को अप्लाई किया था, बहुत इंजॉय करा था, और कार्ड्स फ्लाई को भी अगर आप देखोगे ना, तो मैंने कार्ड्स फ्लाई भी यहाँ पे यार इस वाले के अंदर करी थी। ठीक है, कार्ड्स के अंदर बैठते हुए मैंने चिट्स को अप्लाई करा था, जो कि आप भी कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन पिंट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस वाले पूरे के पूरे जो वीडियो को है वो देख सकते हो और इस वाले क्लो मेन्यू का आप फायदा उठा सकते हो। ठीक है, नाउ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अभी तक कोई भी क्लो मेन्यू पे अवेलेबल नहीं हुआ है, ना ही हमारे GTA San Andreas के लिए हुआ है, ना ही GTA 3 के लिए हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यार हम अपने गेम के अंदर विदाउट क्लो मेन्यू के भी हम अपने गेम के अंदर बहुत सारी कार्ड्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, कार्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप भी अपने फ़ोन के अंदर कर सकते हो। अभी ये वाली चीज़ यार आपको देख करके ज़रूर शौक हो गया होगा, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आप अपने फ़ोन के अंदर अभी के लिए फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ GTA Vice City डेफिनेटिव एडिशन के अंदर सिर्फ इसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, जो कि आपका चिट्स, और आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते। अगर गाइस फिलहाल फ्यूचर में कुछ आता है मिस्टर सेफ्रॉन YT के चैनल पर अफकोर्स आ जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, क्लाउड गेमिंग और अदर गेम्स में इंटरेस्ट रखते हो, GTA 5 को अपने फोन के अंदर इंटरेस्ट रखते हो खेलने में, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, क्योंकि यार GTA रिलेटेड वीडियोस एंड अदर गेम्स रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, आपसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना इन दी कमेंट सेक्शन, एंड बाय गाइस।